हाँ जी स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। आज का जो पहला टॉपिक है वह है पार्टनरशिप डीड, और उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। पार्टनरशिप डीड क्या है? डीड डीड का मतलब होता है बेटा एग्रीमेंट, लेकिन वो एग्रीमेंट पक्का होता है। ऐसा नहीं कि हमने चल दो लोगों ने बिजनेस किया और उसके बाद वो बोलने लगे कि भाई ऐसा है तो इस टाइम आइयो, तो इस टाइम आइयो, तो इतनी कैपिटल लगा दियो 5 लाख और मैं 3 लाख लगा दूंगा, हम लोग जो प्रॉफिट होगा वो आधा आधा बांट लेंगे, और मुंह जुबानी उन्होंने बात कर ली आपस में। तो मुंह जुबानी बात में क्या होता है कि कल को डिस्प्यूट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। डिस्प्यूट होगा तो बिजनेस उनका हैम्पर करेगा, उनके बिजनेस में परेशानी होगी। तो उन डिस्प्यूट्स से बचने के लिए ये कहा जाता है कि एग्रीमेंट एग्रीमेंट मस्ट बी रिटन, एग्रीमेंट मस्ट बी रिटन, लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक, अब रिटन में है, कल को रिटन एग्रीमेंट में भी वो मुकर सकते हैं, वो पीछे हट सकते हैं, क्योंकि हमने लिख के दिया था उस टाइम सर और कंडीशन थी, अब और कंडीशंस हैं। तो कोई भी किसी बात से भी मुकर सकता है, खाली रिटन होना सफिशिएंट नहीं है। ठीक, उस एग्रीमेंट के अंदर क्या होना चाहिए? वो एग्रीमेंट रिटर्न हो, ठीक, और उसके अंदर सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन, सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सब स्पेसिफाई हो, और उसके बाद वो जो सबसे बड़ी बात है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड अगर हो गया, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर वो रजिस्टर्ड हो गया, ये सर ये क्या होता है, ये एक्ट आपको नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस का पार्ट ये एक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि डिस्कशन ऐसा चल रहा था तो मुझे बताना जरूरी था कि डीड क्या होती है और डीड रजिस्टर कैसे होती है। एक स्टाम्प पेपर आएगा, स्टाम्प पेपर के ऊपर सब अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशन सब मेंशन करेंगे, और उसके बाद उन सब उस पर सब साइन करेंगे, और वो रजिस्टर्ड किया जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में, और तब जाके वो एक डीड बनेगा। इनके डीड के लिए क्या क्या चीज़ कंपलसरी होगी बेटा? एक तो रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, रिटन हो और एग्रीमेंट हो, ठीक, और उसके बाद उसको रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी होगा। डीड होना कंपलसरी नहीं है, मैंने बोला कि अगर आपको डीड चाहिए तो उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो डीड नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। मैं शुरुआत से बोलता हूं दोबारा से, ए पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स स्पेसिफाइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। स्पेसिफाइंग यानी कि उस डीड के अंदर, उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये स्पेसिफाई होगा कि कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे जो सबने एग्री किए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक के चलिए और उसने सबको धमका के बोल दिया भाई सब साइन करो। मतलब जनरली ये माना जाता है कि सब ने अपनी आपसी सहमति से ये डीड साइन की है, ये डॉक्यूमेंट साइन किया है। उसमें क्या क्या टर्म्स होती हैं? कैपिटल, कौन कितनी कैपिटल लगा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, सैलरी कमीशन ये होता है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, कौन पार्टनर कितना एक्स्ट्रा टाइम बिजनेस में देगा, तो उसके हिसाब से उसको सैलरी भी मिलेगी, बिजनेस प्रॉफिट के अलावा सैलरी भी मिल सकती है, लेकिन ये सब डीड में तय होगा तो मिलेगा। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना पार्टनर से लिया जाएगा, रेशो क्या होगा, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिस पर सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं, सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, उनका रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होना चाहिए, जो भी होगा उनका आपस में तय होगा, लेकिन वो डीड में लिखा जाएगा तो डिस्प्यूट नहीं होंगे। ठीक, एंड मैनी मोर, जो भी कंडीशंस हो सकती हैं सबके सब उनको मेंशन कर देनी चाहिए सोच सोच कर, ठीक है ना, और पास्ट एक्सपीरियंसेस से हर चीज उनको मेंशन कर देनी चाहिए। द डीड इज साइंड बाय ऑल पार्टनर्स, ये बहुत बहुत बड़ा पार्ट है, द डीड इज साइंड बाय ऑल पार्टनर्स। डीड तब बनेगी जब साइन करेंगे, साइन करने का मतलब क्या होगा कि आप एग्री हो रहे हैं, एग्रीमेंट तभी होता है, एग्रीमेंट तभी होता है, एग्री नहीं होंगे तो डीड कैसे बनेगी। ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908,
इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग वो रजिस्टर्ड होगा, बस आप खाली ड्यूली रजिस्टर्ड लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। विद एन एम टू प्रिवेंट पॉसिबल डिस्प्यूट्स, ठीक, कोई पॉसिबल अगर डिस्प्यूट्स होता है या डिसएग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, तो उस पॉसिबल चीजों से बचने के लिए, उनसे प्रिवेंट होने के लिए ये डीड बनाई जाती है बेटा। इसका मतलब डीड क्या काम करती है, पार्टनरशिप डीड प्रमोट्स, ये प्रमोट्स होएगा बेटा, प्रमोट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड अवॉइड लैक ऑफ ट्रस्ट। पार्टनरशिप डीड होने से उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ठीक, और एक दूसरे पर जो विश्वास की कमी होती है उसको दूर किया जाता है, यानी कि एक दूसरे पर जो ट्रस्ट होता है वो बढ़ जाता है, ठीक। सर डीड में क्या क्या होता है थोड़ा डिटेल में समझाइए, डिटेल तो नहीं, मैं कुछ पॉइंट्स आपको मेंशन कर रहा हूं। डीड आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए पहले बेटा, दोबारा से डीड आप एक बार रीडिंग ले लो बेटा। डीड की इंपॉर्टेंट बातें मैं एक बार दोबारा से आपको हाईलाइट कर देता हूं। यस, इट मस्ट बी अ रिटन एंड एग्रीमेंट स्पेसिफाइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, ड्यूली रजिस्टर्ड एंड साइंड बाय ऑल पार्टनर्स। ये चार बातें ही आप अगर मेंशन कर लो कहीं पर अलग से डीड के सामने, तो ये चार पॉइंट आपका अगर याद रह गए, समझने भी जरूरी हैं, तो आप इसका मीनिंग आराम से कुछ भी बना कर लिख सकते हैं। इसको क्रैम करना, इसको वर्ड टू वर्ड लिखना बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, बट आप जो मीनिंग का एसेंस है वो बिल्कुल क्लियर रखें कि डीड होती क्या है। ये चार चीज़ अगर मेंशन कर देंगे तो डीड का मीनिंग आप बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे बेटा। डीड आपने पढ़ लिया, अब मैं बताता हूँ कि डीड में होता क्या क्या है। कॉन्टेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द फर्म कि नाम क्या रखा जाएगा, कल को नाम के ऊपर कोई डिस्प्यूट ना हो पहले से एग्री कर लेते हैं कि एबीसी एंड कंपनी रखा जाए, एबीसी एंड एसोसिएट्स रखा जाए, एक्स वाई जेड ब्रदर्स रखा जाए, कुछ भी रख सकते हैं। नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर के नाम एड्रेस उनकी डिटेल्स फुल डिटेल ली जाती है। नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस क्या करेंगे, किस चीज का बिजनेस होगा, किस तरह का बिजनेस होगा, बिजनेस कब स्टार्ट किया, कितनी कैपिटल कौन लगा रहा है या लगाएगा और लगाएगा, एंटिसिपेटेड अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, ड्राइंग कितनी होगी, इसके अलावा जो मेन मेन बातें हैं, रेशो क्या रहेगा, रेशो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग क्या रहेगा, ठीक है ना। एंड देर मे बी मोर देन 100 आइटम्स जो डीड में आ सकती हैं, जो जो भी चीजें पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से हो सकती हैं, द कॉज ऑफ डिस्प्यूट, ठीक, द कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट, उन चीजों को इसमें मेंशन कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये सब तो ईटीसी है, इसके बाद मतलब और भी आएंगी, ये सब एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इनके अलावा और भी चीजें आ सकती हैं। मेन मेन बातें मैंने समझा दिया आपको, ठीक है, एक बार दोबारा से देख लो बेटा। कंटेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप डीड, नेम ऑफ द फर्म आ गया बेटा, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर्स, नेचर ऑफ बिजनेस, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कैपिटल कौन कितने लगा रहा है, ड्राइंग कौन कितनी करेगा, अगर ये पहले से एग्री हो जाए तो डिस्प्यूट और बच जाते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मैं मानता हूं कि बहुत बहुत ही ज्यादा मेन पॉइंट है और मेन इनका जो पॉइंट रहता है डिस्प्यूट का रहता है, इसको पहले से एग्री कर लेना चाहिए।
अब बात आती है कि सर क्या डीड होना कंपलसरी है? तो मैं बोलता हूं डीड होना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस को करने के लिए पार्टनर्स के बीच में नॉर्मल एग्रीमेंट, ओरल, रिटर्न और रिटर्न विद रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कुछ भी हो सकता है। डीड तो इसलिए होनी चाहिए कि कोई डिसएग्रीमेंट ना हो, बिजनेस को पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट की वजह से बिजनेस को कोई लॉस ना हो, ठीक। और बहुत सारी चीजें हैं जिसके बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर डीड होती है तो उस डीड को यूज करके किसी भी पार्टनर को सप्रेस होने से बचा सकते हैं, ठीक। कोई इनजेन्युइन बात होने से बच सकती है। कोर्ट ऑफ लॉ में डीड एक मेजर डॉक्यूमेंट का काम करती है अगर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट होते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी टू हैव पार्टनरशिप डीड, बट इफ पार्टनर डू नॉट हैव द डीड तो इस केस में क्या होगा? इन सच केस रूल्स ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई, ठीक। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने भी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने भी कुछ रूल्स बताए हैं। बस वो रूल तभी अप्लाई होते हैं जब पार्टनर्स किसी बात पर एग्री ना हो, उनके बीच में डीड ना हो, ठीक। तो कौन कौन से रूल्स अप्लाई होंगे अगर पार्टनर्स के बीच में डीड ना हो? लिखा है फॉलोइंग रूल्स विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट और एनी डिफरेंस। इन रूल्स को मोस्ट फेमसली बोला जाता है रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। बहुत अच्छे से इसको नोट किया जाए बेटा, इसको नोट करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे से नोट करो बेटा। हाँ समझाता हूँ, क्यों नहीं समझाऊंगा। अगर पार्टनर्स के बीच में डीड ना हो तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बिल्कुल इक्वल रहेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा बेटा, ठीक। चाहे किसी ने कितनी भी कैपिटल लगाई हो, मान लो ए की कैपिटल है 10 लाख और बी की कैपिटल है 5 लाख, लेकिन डीड नहीं है, तो उनके बीच में जो रेशियो होगा वो होगा 1:1। ए इस बात के लिए क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने कैपिटल ज्यादा लगाई है। रेशो तय क्यों नहीं किया भाई? तूने कैपिटल ज्यादा लगाई तो रेशो तय क्यों नहीं किया? अगर रेशो एग्री नहीं हुआ तो दोनों के बीच में जो रेशो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। फिर ए ने ये सोचा चल मेरे रेशो में मेरी बात नहीं चली तो भाई मुझे ऐसा करो, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। तो अब बात यह आती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी किसी पार्टनर की, कमीशन टू एनी पार्टनर और एनी अदर रेम्यूनरेशन, चाहे बोनस दिया हो किसी पार्टनर को, बिल्कुल भी ये चीजें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, नहीं मिलेंगी। अगर डीड में तय नहीं है तो ये चीजें बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। तो ए के पास ना तो रेशो बढ़ाने का कोई तरीका मिला, ना ही ए, अगर ए चाहे कि चलो भाई मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर लेता हूं, अगर 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर ली तो मेरी कैपिटल ज्यादा है, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा, मेरा कुछ तो भला होगा, लेकिन यहां पर भी उसका भला नहीं होगा, ठीक है ना? क्योंकि डीड नहीं है तो रेशो विल बी इक्वल, ये चीजें मिलेंगी ही नहीं। जो पार्टनर्स की रेमुनरेशन होती है वो बिल्कुल भी कोई भी चीज अलाउ नहीं है, ठीक। अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग करी है तो उस पर भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, नॉट चार्जेबल, उससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन एक स्पेशल कंडीशन आती है, कभी कभी बिजनेस को एक्स्ट्रा मनी की जरूरत पड़ती है अपने टास्क पूरे करने के लिए, और बिजनेस में तो पैसा नीड होता ही रहता है क्योंकि पैसा, मनी इज द ब्लड फॉर अ बिजनेस। बिजनेस के लिए पैसा क्या काम करता है? ब्लड का काम करता है।
जितना पैसा होगा वो उतना उसको प्लान करके और अपने बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए खर्च कर सकता है। अब बिजनेस को अचानक से कुछ पैसा की नीड पड़ी, पार्टनर्स ने कैपिटल ऑलरेडी दे रखी है, पार्टनर्स असमर्थ हो गए, पार्टनर्स ने और पैसा देने को मना कर दिया, लेकिन एक पार्टनर था ए, उसने कहा मैं एज ए लोन आपको दे सकता हूँ, घर में मेरे पैसे पड़े हैं एक्स्ट्रा, मेरे घर में 1,00,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़े हैं, मैं वो 1,00,000 रुपीज़ आपको मतलब पूरी फर्म को एज ए लोन दे सकता हूँ। क्या ए ने अपने बिजनेस की कोई हेल्प की? जी सर की, उसने लोन दिया। अगर पार्टनर लोन देगा तो वो लोन एज एन एक्सटर्नल लोन की तरह ट्रीट किया जाएगा, उस लोन पर जो इंटरेस्ट होगा अगर वो एग्री हो गया तो अच्छी बात है कि कितना इंटरेस्ट बिजनेस उस पार्टनर को देगा उस लोन पर जो इंटरेस्ट की रेट होती है। अगर लोन दिया है तो इंटरेस्ट तो लेगा ना ये, तो उस इंटरेस्ट की जो रेट होगी पार्टनर्स आपस में एग्री कर लेंगे। अगर उस इंटरेस्ट की रेट को पार्टनर्स आपस में एग्री नहीं कर पाए या डीड नहीं है या डीड में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मेंशन नहीं है अगर, तो उस पार्टनर को 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है बेटा, ये कंपलसरी है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। डीड में नहीं है तो हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक, उसने मौका पड़ने पर बिजनेस की हेल्प की है, एक्सटर्नल मनी लाके दिया है, एक्स्ट्रा मनी लाके दिया है, उसको उसका इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, 101% मिलेगा। चलो एक दो क्वेश्चंस हम सॉल्व कराते हैं बेटा, कुछ मैं लिखवाऊंगा कुछ मैं बोलूंगा तो वो आप जरा देख लेना। ये आपने नोट कर लिया बेटा, 2 मिनट और देता हूं मैं, नोट कर लो और एक दो क्वेश्चंस मुझे लगता है कि लिखवा देना चाहिए, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, एक एग्जांपल बेटा अच्छे से पढ़ लिया आपने, मेंशन कर लिया बेटा रूल कॉपी में, क्योंकि एग्जांपल आपको तभी समझ में आएगा। मैं रिपीट कर दूं एक बार हाईलाइट कर बेटा, रेशो मस्ट बी इक्वल, और ये क्या हो गया, हाँ जी, रेशो मस्ट बी इक्वल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर और एनी अदर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिल्कुल भी चार्ज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है, किसी पार्टनर ने अगर बिजनेस को लोन दिया है तो उस पर उसे इंटरेस्ट लेने का पूरा राइट है, उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा और देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, एग्जांपल नोट करते हैं। हाँ जी बेटा, एग्जांपल ए एंड बी आर पार्टनर्स
विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज 8 लाख एंड 5 लाख, respectively. A wants that profit must be shared in the ratio of 1:5 कि जितना जितना कैपिटल लगाया उस हिसाब से रेशो आ जाए. ठीक. एंड फर्दर ही वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ऑल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय हिम टू द फर्म एट 10% पर एनम. बी वॉन्ट्स सैलरी ऑफ रुपीज 20,000 एज He spends, दोबारा बोलता हूं, B wants salary of rupees 20,000 as he spends more time in the business. उस business में वो ज्यादा टाइम लगाता है बी ए के मुकाबले. ठीक. तो बी कहता है जब मैं एक्स्ट्रा मेहनत करता हूं, एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूं, तो मुझे सैलरी भी मिलनी चाहिए. अगर डिस्प्यूट ना होते तो ये सब मिल जाता, बट बोथ आर नॉट एग्री, बोथ आर not agree to each other's proposal or wish. एक दूसरे की इच्छा से वो बिल्कुल भी agree नहीं थे. prepare profit and loss appropriation account after settling the dispute when net profit is रुपीज 1 लाख. क्वेश्चन आप आराम से साफ साफ नोट कर लो. वैसे आप मेरे जितनी सुंदर राइटिंग नहीं लिख पाएंगे. मेडिकल स्टोर वाले इस लैंग्वेज को, इस राइटिंग को बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं और मेरे सारे स्टूडेंट भी समझ लेते हैं.
धीरे धीरे कोशिश करूंगा बेटा और अच्छा लिखने की। आप क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन की मेन बातों को मैं अंडरलाइन कर दूंगा। एक तो कैपिटल्स, लो जी कैपिटल है 8 लाख और 5 लाख, नोट कर लिया बेटा। और वो चाहता है कि रेशो ऑफ कैपिटल हो, ए चाहता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहता है वो 10%। और उसने लोन दिया, ए ने लोन दिया 10% पर एनम, पर मैंने ये तो बताया नहीं कि लोन कितना है। तो ऐसा करो, इसको आगे बढ़ा दो। लोन इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय हिम टू द फर्म एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और ब्रैकेट में लिख दीजिए बेटा लोन बाय ए रुपीज 1 लाख। ए ने फर्म को लोन दिया 1 लाख रुपए का, जिस पर वो इंटरेस्ट मांग रहा है 10% पर एनम के हिसाब से। ठीक, एक ये बात हो गई नोट करने वाली। बी कहता है कि मेरे को सैलरी चाहिए। ठीक, ए दूसरे से वो एग्री नहीं है, और नेट प्रॉफिट है 1 लाख। मेन बातें आपने अंडरलाइन कर ली बेटा। अब हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, क्योंकि जब डीड नहीं होती पार्टनर्स के बीच में तो रूल्स ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ही अप्लाई होते हैं। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर इस क्वेश्चन में तो लिखा ही नहीं है कि डीड नहीं है। बेटा अगर डीड होती तो वो अपने अपनी इच्छाएं ना बताते, डीड में होने के बाद किसी की कुछ नहीं चलती। अगर डीड होती तो डिस्प्यूट्स अराइज ना होते। ठीक, अगर ये बातें डीड में मेंशन होती तो डिस्प्यूट्स अराइज ना होते, इसका मतलब डीड नहीं है। ये मान करके आपको सॉल्यूशन करना है। और पार्टनरशिप एक्ट क्या क्या अप्लाई करता है, क्या क्या अलाउ करता है, वो एक बार दोबारा पढ़ लो। ये पार्टनरशिप एक्ट अलाउ करता है रेशो मस्ट बी इक्वल, ये चीजें मिलेंगी नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना नहीं है, और लोन पे इंटरेस्ट जो होगा वो 6% होगा बेटा। आओ बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय, ऐसा करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारा नेट प्रॉफिट जो फिलहाल हमें दिख रहा है वो है 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का वो नेट प्रॉफिट है बेटा 1 लाख। अब एक बात ध्यान रखने वाली होती है बेटा, इस 1 लाख को मैंने यहां क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे ये देखना है कि क्वेश्चन में कोई चार्ज एक्सपेंस तो नहीं है। चलो क्वेश्चन में करेक्शन करो, क्वेश्चन में करेक्शन करो, क्वेश्चन में करेक्शन करो, क्वेश्चन में एक करेक्शन करो बेटा। इसे नेट प्रॉफिट ना लिखो, इसे लिखो व्हेन प्रॉफिट इज ₹1 लाख। ठीक है,
वैसे तो नेट प्रॉफिट भी, इस केस में नेट प्रॉफिट भी चल जाता है, लेकिन नेट प्रॉफिट वो होता है जिसमें से सारे के सारे चार्ज एक्सपेंसेस ऑलरेडी डिडक्टेड हों। ठीक, इसलिए मैंने नेट प्रॉफिट वर्ड हटा दिया, प्रॉफिट लिख दिया, क्योंकि इसमें वो चीज मेरे को लेनी है। बताओ क्वेश्चन में कोई चार्ज एक्सपेंस भी है क्या जो देना जरूरी है? हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ए ने कितना लोन दिया? सर ए ने दिया है 1 लाख रुपए का लोन, ए ने 1 लाख रुपए का लोन दिया है। ठीक, वो ए मांग रहा है 10% का इंटरेस्ट, दे देंगे क्या? हम इतने बुद्धू नहीं हैं, क्योंकि हमें रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पता है। ठीक, हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स पता है। तो हम लोन पर जो इंटरेस्ट देंगे वो कितने परसेंट देंगे? 6% पर एनम देंगे। ठीक, अब मुझे एक बात बता दो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये पार्टनर के थ्रू लोन आया है फर्म को, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज एक्सपेंस है या एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस है? सर दिस इज चार्ज एक्सपेंस। अब जब ये चार्ज एक्सपेंस है तो ये तो पहले से ही माइनस हो जाना चाहिए था, लेकिन माइनस हमने अभी तक नहीं किया, क्योंकि पहले से तय ही नहीं है कि देना कितना है, तो आपने अभी तक माइनस कहां किया होगा? बिल्कुल सही बात। तो अब हम इसको माइनस करेंगे, क्योंकि ये तो हमें अलाउ करना ही है, ये तो हमने देना ही है। तो निकालते हैं कि कितना इंटरेस्ट आया। इंटरेस्ट ऑन एज लोन, इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ए का लोन है बेटा 1 लाख, ये मैं अलग से वर्किंग कर रहा हूं, ये फॉर्मेट का पार्ट नहीं है। 1 लाख का 6% लोन कब दिया नहीं पता, तो शुरुआत से मानते हैं, और उस पर पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा बेटा 6,000 रुपये। वो 6,000 मैं यहां से माइनस कर दूंगा, और जो 94,000 आएगा वो एक्चुअल में कहलाएगा, उसे ही एक्चुअल में कहा जाएगा नेट प्रॉफिट, क्योंकि चार्ज एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसे ही नेट प्रॉफिट बोला जाता है। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम बना रहे हैं, इसमें बाई में क्रेडिट साइड में, ये क्रेडिट साइड है, नेट प्रॉफिट आता है, बाई में आता है, क्रेडिट साइड में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नॉर्मली मैं फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, लेकिन क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर ही नहीं रखी। अगर करी भी होती बेटा तो जरूरी नहीं कि हम देते, उनके बीच में एग्रीमेंट क्या है क्या नहीं है वो डीड के रूल चलते, पार्टनरशिप एक्ट के रूल चलते। ठीक, अब बाई साइड में, क्रेडिट साइड में तो कोई और आइटम आएगी नहीं, आईओडी आता लेकिन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। टू में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आती है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब देना पड़ता है बेटा जब डीड में हो और सब पार्टनर उसको एग्री कर रहे हो। डीड में नहीं भी है, अगर सब पार्टनर एग्री करते हैं, कोई डिस्प्यूट नहीं है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। यहां डिस्प्यूट है, डीड भी नहीं है, तो इसका मतलब उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। बी सैलरी मांग रहा था, आपके क्वेश्चन में देखो मेंशन है सैलरी टू बी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। कमीशन की कोई बात नहीं आई, रिजर्व की कोई बात नहीं आई, क्वेश्चन में नहीं है, होती तब देखते। ठीक, और अब बचा डिविजिबल प्रॉफिट। बेटा एक बात ध्यान रखिए, इनको इनको लिखना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि अगर अलाउ ही नहीं है तो हम यहां क्यों लिखेंगे। ठीक है ना, इनको लिखना नहीं है, ये वाली साइड ब्लैंक रहेगी क्योंकि कोई भी चीज अलाउ नहीं है। ठीक, 94,000 का प्रॉफिट आएगा, ये नेट प्रॉफिट है,
जब एप्रोप्रिएशन का कोई भी खर्चा नहीं है, तो यही 94,000 आपका आज डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट्स बन जाएगा। और ए और बी में, हाँ जी, अब बात आई है रेशो की, किस रेशो में डिवाइड होगा। ए ने कहा था कैपिटल रेशो में, बताना जरा कैपिटल का रेशो क्या है, 8 लाख और 5 लाख की कैपिटल है। ए ने कहा था कैपिटल के रेशो में, तो ए के हिसाब से मैं देखूं तो 8 लाख रेशो 5 लाख, 8 लाख रेशो 5 लाख, जीरो से जीरो कर दिया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे और रेशो विल बी 8:5 अकॉर्डिंग टू ए। जब डीड में रेशो तय नहीं है, प्लस जो ए ने बोला वो बी ने एग्री नहीं किया, तो उस केस में ये रेशो एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं होगा। कौन सा रेशो एप्लीकेबल होगा बेटा? सर 1:1। ठीक, तो 94,000 को 1:1 में डिवाइड कर देंगे, वो आएगा 47,000 और 47,000। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ बेटा। ठीक है, नोट कर लो, एक क्वेश्चन और कराऊंगा अभी। इसको नोट कर लो बेटा। हो गया, चलो एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा, एग्जाम्पल। ये सब एग्जाम्पल्स आप अलग से रूल्स कॉपी में लिखते जाएंगे, नोट करते जाएंगे विद सॉल्यूशन ऑन, एंड यू हैव टू नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज को आप ये ना सोच के चलें, किसी भी चीज को आप ये ना सोच के चलें कि ये तो बहुत आसान सी चीज़ है, ये तो हम भूलेंगे नहीं, ये तो हमेशा याद रहेगी। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमेशा याद रहे बेटा, सब कुछ आदमी भूल सकता है। रिवीजन इज मस्ट, और रिवीजन तब होता है जब रिकॉलिंग होती है, रिकॉलिंग तब होता है जब आपने कुछ नोट किया हो। आपने कुछ नोट ही नहीं किया तो क्या रिकॉल कर पाओगे बेटा आप, ठीक है ना। तो रूल की बातें रूल कॉपी में जाएंगे, जितने एग्जांपल्स मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ, जितने भी एग्जांपल्स मैं अपनी तरफ से कराता हूँ, वो सब रूल कॉपी में जाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस आप बुक से करेंगे प्रैक्टिस, वो सब आपका प्रैक्टिस कॉपी में जाएगा। लेकिन बुक में से भी कोई स्पेशल पॉइंट निकल के आता है, कोई बहुत ही रेयर पॉइंट है, कोई स्पेशल पॉइंट है, तो वो भी क्वेश्चन विद सॉल्यूशन रूल कॉपी में जाएगा। अल्टीमेटली रूल कॉपी ही आपका एग्जाम से पहले रिविजन का एक मीडियम बनेगा, जो सबसे ज़्यादा आपके काम आएगी, मुझसे भी ज़्यादा वो रूल कॉपी काम आएगी। इसलिए रूल कॉपी की इम्पोर्टेंस को समझें और रूल कॉपी शुरू से बना के चलें। आपकी अपनी रूल कॉपी होगी तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। कुछ बच्चे ये सोचे चलते हैं कि और कोई बना लेगा, हम उससे जेरोक्स करा लेंगे, उसके प्रिंट ले लेंगे, उसके स्नैप्स ले लेंगे, फोटो ले लेंगे। नो, आप जो खुद बनाते हैं वही आपके काम आती है बेटा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में क्या हुआ कि एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स एक्स प्रेजेंट्स एक्स प्रेजेंट्स द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू वाई। एक्स ने वाई को एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाया अपने बिजनेस का, कि भाई ये होना चाहिए हम सबके बीच में, जो एक्चुअल उनके बिजनेस का था उनने बना के दिखा दिया। चलो जी, बना के दिखाते हैं बेटा।
पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट इज 70,000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक्स और वाई का ऐसा करते हैं 5,000 ईच कर देते हैं 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई का 2,000 1,000 सैलरी टू एक्स 12,000 इंटरेस्ट ऑन एज लोन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम 10,000 ये ए ने बना के दिया। आप किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, ये ए ने बनाकर दिया है बेटा। ये हो गया 80,000। ये भी क्वेश्चन चल रहा है, सॉल्यूशन नहीं है ये। तो डिविजिबल प्रॉफिट आया होगा 55,000 टू डिविजिबल प्रॉफिट और एक्स और वाई में उसने 3:2 में डिवाइड करके प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है बेटा, बट बी बी कौन है भैया, बट वाई डज नॉट एग्री टू इट, वाई इससे सहमत नहीं है, वाई एग्री नहीं करता, वाई कहता है तूने गलत बनाया। अब वाई चाहे कुछ भी प्रपोज करे, अगर एक कह रहा है दूसरा नहीं मान रहा है, इसका मतलब उनके बीच में डीड नहीं है, उनके बीच में डीड नहीं है। ठीक, तो वो बोलते हैं रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करो एंड प्रिपेयर ए फ्रेश पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन नोट कर लो बेटा, प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। आप क्वेश्चंस में नंबरिंग जरूर डालेंगे बेटा, जो नंबरिंग आपकी चल रही होगी उससे आगे चलते रहेंगे, नंबरिंग जरूर डालेंगे बेटा। और रूल कॉपी के अंदर हर पेज पर पेज नंबर जरूर मेंशन करना, फर्स्ट पेज पर उसकी इंडेक्स बनाना,
कि इस चैप्टर के इस टॉपिक को हमने इस पेज पर किया है। फिर देखना कि आपको कितनी हेल्प मिलती है। करें सॉल्व। चलो सॉल्व करने से पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं बेटा। हाँ जी, नेट प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा, नेट प्रॉफिट का डीड से कोई मतलब नहीं है, नेट प्रॉफिट का हम ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक, सबसे पहले ध्यान रखना, किसी भी चीज को देखने से पहले हमको सिर्फ एक चीज सर्च करनी चाहिए कि क्या क्वेश्चन में कोई चार्ज एक्सपेंस है क्या, कि क्वेश्चन में कोई चार्ज एक्सपेंस है क्या। ढूंढो, ढूंढ के लाओ। सर मिल गया। अरे सर तो सबको मिल गया, मुझे बताओ चार्ज एक्सपेंस मिला कि नहीं। हाँ सर, वही तो कह रहे हैं, मिल गया। ये राजी चार्ज एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन एज लोन 10%। वाह, क्योंकि ए, अरे यार ए नहीं, यहां पर आप नाम चेंज कर लेंगे बेटा, ए नहीं, यहां पर आप मेंशन कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, क्योंकि लोन किसने दिया, एक्स ने दिया। ठीक है, ये मानेगा। हाँ जी बेटा, अब बताओ मुझे कि ए ने, जो एक्स ने बताया कि भाई मैंने जो लोन दिया था, कितना लोन दिया ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, ये हम निकालेंगे अभी, लेकिन उस लोन पर 10% के हिसाब से 10,000 का इंटरेस्ट एक्स ने अपना लगा लिया कि मुझे मिलना चाहिए। जब डीड नहीं है तो लोन पर, पार्टनर के लोन पर जो इंटरेस्ट होगा वो 6% अलाउ है, 10% अलाउ नहीं है। ठीक, इसको 6% करेंगे। सर कैसे करें, हमें तो लोन ही नहीं पता कितना है। बिल्कुल सही बात है, अभी निकालते हैं। मुझे एक बात बताओ, उसने फाइंड किया था 10% ऑफ लोन, लोन का 10% निकाला तो उसका आया 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट। तो लोन, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लोन इधर रह जाएगा बेटा, उधर 10,000 पहले से है, और ये जो 10/100 है ये इधर जाकर, ये जो 10/100 है ये इक्वल्स टू के उधर जाकर उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और ये 100/10 हो जाएगा। तो लोन कितना आया बेटा, लोन आया सर 1,00,000 रुपीज का, ₹1,00,000। ठीक, और उस पर कितना इंटरेस्ट अलाउ है बेटा, सर 6,000, मतलब कि 6%। ठीक है, जब हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उससे पहले हम, इन्होंने बोला है कि रिजॉल्व द डिस्प्यूट, इसका मतलब कुछ पॉइंट्स हमको पहले मेंशन करने पड़ेंगे कि ये चीजें अलाउ हैं और ये चीजें अलाउ नहीं है, जो क्वेश्चन में मेंशन इन्होंने कर रखी है। हाँ जी, अब जो जो क्वेश्चन में एक्स ने प्रेजेंट किया था क्या क्या अलाउ नहीं है। एक्स ने एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप आईओसी नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, सैलरी टू पार्टनर नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नॉट चार्जेबल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्जेबल नहीं है। और ढूंढते हैं चीजें, दो चीज रह गई, और क्या रह गया, इंटरेस्ट ऑन
एक्स लोन, क्योंकि लोन की कैलकुलेशन आपको करके दिखानी है, उसके बाद आपको इंटरेस्ट निकाल के बताना है कि कितना अलाउ है। वो अलाउ है ₹6,000, ये अलाउ है, देना पड़ेगा। और रेशो मस्ट बी इक्वल, और इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करके आप एक नया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। इन चीजों को यूज करके बेटा, ऐसे मेंशन कर लो बेटा अपनी कॉपी में। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि नेट प्रॉफिट लिखते हुए एक बात हमेशा ध्यान क्या करो कि क्या क्वेश्चन में कोई चार्ज एक्सपेंस है। जी सर है, कितना है? 6,000 है, ठीक। और नेट प्रॉफिट कितना था बेटा? नेट प्रॉफिट था 70,000, 70,000 नेट प्रॉफिट था, 70,000, 70,000। उसमें से चार्ज एक्सपेंस, या तो देखो बेटा पीएल अकाउंट बनता है, इससे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो और उसमें माइनस करके दिखा दो। नहीं तो अगर एक खर्चा ही है, एक आधे खर्चे को के लिए आप पीएल बनाओ, दिस इज नॉट नेसेसरी। अगर वो कहते हैं पीएल बनाने को तो बनाओ, अगर वो नहीं कहते हैं तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं कि आप पीएल बना लो या उस चार्ज एक्सपेंस को यहीं पर माइनस करके एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकाल कर दिखा दो कि हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट 64,000 है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल चार्ज एक्सपेंसेस। अब प्रभु की कृपा से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं है, सैलरी अलाउ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्जेबल नहीं है, लोन का इंटरेस्ट हमने निकाल दिया। तो मेरे बच्चा, मेरे बाबू, मेरे प्यारे, कुछ और तो इसमें है ही नहीं, जग सुना सुना लागे। ये जो नेट प्रॉफिट था यही डिविजिबल प्रॉफिट माना जाएगा क्योंकि कोई भी और एक्सपेंस नहीं है। टू डिविजिबल प्रॉफिट एक्स वाई, लास्ट बात आती है कि रेशो मस्ट बी इक्वल। जो रेशो वो बता रहा है वो यूज नहीं होगा क्योंकि एग्री नहीं है। तो 64 को दोनों में इक्वली डिवाइड कर दो बेटा, रेशो में कर दो, या आपको दिख भी रहा होगा 32,000। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो आपको प्रेजेंट करना है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया बेटा, नोट कर लो, क्लियर है। फिलहाल आज के लिए इतना ही बेटा, और नेक्स्ट टॉपिक में मैं जल्दी आऊंगा आपके सामने। इस टॉपिक की जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी आपकी फीडबैक हो, मुझे आप जरूर व्हाट्सएप डालना बेटा, और जो प्रॉब्लम्स हैं होमवर्क में दे दूंगा व्हाट्सएप पर, और जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप मुझे बताना जरूर, ठीक है, बाय।